नमस्कार। आज दो महापुरुषों का जन्मदिन है, एक हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी और दूसरे हमारे आजाद भारत के दूसरे पीएम श्री लाल बहादुर शास्त्री। क्या एक बच्चा नदी पार करके खुद से नदी पार करके स्कूल जा सकता है? क्या सिर्फ एक आदमी के कहने पे 49 करोड़ लोग हफ्ते में एक दिन उपवास और एक दिन खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूँ आर्य विजय और आज मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक कहानी छोटी सी, जो आजाद भारत के दूसरे पीएम से रिलेटेड है। जी हाँ, मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात कर रहा हूँ। 1962, जब हम चाइना से युद्ध हार गए थे तब हमारी सेना का मनोबल बहुत कम हो गया था, और 1964 में हमारे पीएम श्री जवाहरलाल नेहरू का भी निधन हो गया था। तब 1964 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को पीएम के पद पे रखा गया। तब पाक के बहुत सारे चैलेंजेस थे, हम अनाज के लिए इंडिपेंडेंट नहीं थे, हमारी सेना का मनोबल भी कम था आदि। सेना का मनोबल कम होते हुए पाकिस्तान ने देखा कि चलो अब इंडिया पे अटैक करते हैं, सेना का मनोबल भी कम है, अच्छा चांस है, और उन्होंने पहले कश्मीर को हथियाना चाहा। जब ये बात इंडियन आर्मी के जनरल को पता चली तो ये बात उन्होंने श्री लाल बहादुर शास्त्री को बताई। श्री लाल बहादुर शास्त्री बोला कि अगर वो कश्मीर के लिए लड़ेंगे तो हम पूरे पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। और ये सुनते ही पूरे इंडियन आर्मी में अलग सा जोश जाग गया और उन्होंने सबको छूट दे दी कि तुम जैसे लड़ना है लड़ो, तुम इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके जाओ लड़ो। तब इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के मेल की वजह से हम इंडो पाकिस्तान वॉर जीत गए थे। वो हमने लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया था, वो तो हमारे बड़प्पन था कि हमने लाहौर को वापस पाकिस्तान को दे दिया था और अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। तब अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे थे और अमेरिका ने हमें आग दिखाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अमेरिका से हमें अनाज आता था और अमेरिका ने धमकी दी हमें कि हम तुम्हें अनाज नहीं देंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने इसका सलूशन सोचा और सोचा कि क्यों ना हम हफ्ते में एक दिन उपवास रखें और एक दिन खिचड़ी का सेवन करें। पूरे भारत से रिक्वेस्ट करने से पहले उन्होंने ये बात पहले अपने परिवार पर टेस्ट की। उन्होंने अपनी पत्नी श्री ललिता शास्त्री जी को भी ये बात बताई तो श्री ललिता शास्त्री जी ने बोला कि हाँ क्यों ना, हम परिवार एक दिन भूखे रह सकते हैं। और जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देखा कि मेरा परिवार एक दिन भूखे रह सकता है, तब उन्होंने पूरे भारत से रिक्वेस्ट की क्यों ना हम हफ्ते में एक दिन उपवास रखें और एक दिन खिचड़ी का सेवन करें। पूरे भारत ने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की बात मानी और कई लोग तो अपने घर में खेती भी करने लगे थे। 1990 आने तक हम अनाज के मामले में इंडिपेंडेंट हो गए थे। दोस्तों, हम इंडिपेंडेंट श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के ही वजह से हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री बहुत कम समय के लिए पीएम रहे थे, लेकिन तब उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए थे जिस वजह से आज भी हम उन्हें याद करते हैं और उनका नारा आज भी दोहराते हैं, जय जवान जय किसान जय हिंद जय भारत। नमस्कार।